नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में। आज इसी शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं भाई। प्रतिदिन मैं इस शेयर की वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर इस कंपनी का हम लोग बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी सड़क बनाती है, रख रखाव काम करती है, इस तरह से जो है ये काम करने वाली है, ठीक है ना। हाईवे वाईवे बनाती है बढ़िया सा, कुछ एयरपोर्ट एयरपोर्ट का भी निर्माण करती है, यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना, और वहीं पे रियल इस्टेट का भी जो है निर्माण करती है। तो इस तरह का इसका जो है सिंपल सा बिजनेस है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 41,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 68 रुपये 40 पैसे का इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 78 रुपये का इसका हाई बना है और 25 रुपये का लो बना है, मतलब 25 या 75, 3 गुना ये पहले से हो चुका है और अब जो है फिर से जो है यहाँ से सस्टेन करके मोमेंटम के कगार पे है। 68 का इसका पी रेशियो ट्रेड कर रहा है, मतलब 1 रुपये कमाई करने के लिए आप लोगों को 68 रुपये लगाना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर इसका 1 रुपया का, इसके इंडस्ट्री का पी 22 का ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अपने इंडस्ट्री के लगभग 22 66, तो 3 गुना के पी पे मिल रहा है। मतलब अगर इसका इंडस्ट्री 1 रुपये पे है तो ये 3 रुपये पे है। 22 का इंडस्ट्री का पी और 68 का इसका जो है इसका पी है, तो महंगी थोड़ी सी कंपनी है। वैल्यूएशन के अंदर बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू 23 रुपये के आसपास है। अब 23 से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी लगभग 3 के आसपास का बुक वैल्यू आएगा कि 1 रुपये वाली कंपनी को हम लोगों को 3 रुपया देना पड़ा है। तो हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो के हिसाब से सस्ती कंपनी मिल रही है। वहीं पे डिविडेंड की बात करेंगे तो 0.5% से थोड़ा सा कम ही कंपनी डिविडेंड देती है। 9 का इसका आरओसी है और 4 का इसका आरओई है, तो थोड़ा सा कम जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है। अपने इक्विटी पे रिटर्न कंपनी ने कुछ खास अभी उतना ज़्यादा नहीं दे रही है। 1 रुपया इसका फेस वैल्यू है, 1 रुपया का अर्निंग पर शेयर है। डेट की बात करेंगे तो 18,653 करोड़ का डेट है। वहीं पर रिजर्व की बात करेंगे तो 13,141 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। एफआईआई की होल्डिंग चेंज देखेंगे तो यहाँ पे 2.74%, मतलब 2.3% के आसपास इसमें जो है एफआईआई की होल्डिंग चेंज हो चुकी है जून क्वार्टर का, जो कि मैं आप लोगों को अपडेट दिया हूँ, तो लेटेस्ट इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। और ये एक निगेटिव पॉइंट कह लें हम लोग है। प्रोमोटर की होल्डिंग पहले से ही 30.5% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, 40% के आसपास का है। सेल्स ग्रोथ रेशियो 3 साल का 12% है, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो 74% है। इस साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो 15% है और इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो इसका निगेटिव में है 14%। मतलब सिंपल समझिए कि इस साल इसको जो है 15% ज़्यादा इसका सेल्स हुआ है, ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको 15% पिछले साल से कम प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गया, सीधा सीधा कितना हुआ है वो अलग छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ से पता चल जाएगा 15% ज़्यादा इनकम तो हुई थी लेकिन प्रॉफिट 15% कम हुआ है। समझ में आ गया, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिजर्व और ये बता ही चुका हूँ। फिक्स एसेट में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है, हालांकि रिजर्व में इन्वेस्टमेंट में 4,000 करोड़ के 4,500 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसका था जो बढ़ के अब जो है 9,642 करोड़ हो गया, तो फिर इसका अदर इनकम भी देखना पड़ेगा। अदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अदर इनकम इसका 300 करोड़ से बढ़ के अब जो है 794 करोड़ हो चुका है, मतलब सीधा सीधा कह लें कि 500 करोड़ के आसपास इसका अदर इनकम बढ़ चुका है। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट भी इसका जो है 1500 करोड़ से बढ़ के 1800 करोड़ 1860 करोड़ के आसपास हो चुका है, तो 300 करोड़ के आसपास, 325 करोड़ के आसपास इसका इंटरेस्ट भी बढ़ा है और जो है अदर इनकम भी दबा के बढ़ा है। अब इसका डेट देखेंगे हम लोग तो डेट में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, उसी वजह से हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। चार्ट पे बढ़िया कंडीशन है भाई, चार्ट पे अगर आईआरबी इंफ्रा को आप बाय करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तीनों टाइम फ्रेम के लिए इसमें ट्रेड बन रहा है। देखिए हर एक सिचुएशन पे तीनों टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड नहीं बनता है, कभी कभी ही बनता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो कहीं पर भी खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म की खरीदारी सबसे परफेक्टली होनी चाहिए, ठीक है ना, और बढ़िया से होनी चाहिए, इंतजार करके होनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का क्या है, स्विंग ट्रेडिंग तो आज नहीं करोगे तो फिर छूट जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली ट्रेडिंग आपकी नहीं छूटेगी। उदाहरण के लिए समझाता हूँ, तो जब भी आप लॉन्ग टर्म देखिए होता क्या ना कि जब मैं वीडियो
जैसे आप मेरे मतलब आप जो है जहाँ पे हो वहाँ पे मैं भी कविता, आपके जगह पे मैं भी कविता, ठीक है ना, और मेरे जगह पे हो सकता है कभी आप भी होंगे। तो जब मैं आपके जगह पे था और देखता था तो बहुत सारे लोग अभी भी बनाते हैं वीडियो, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो खरीदो हर लेवल पे, लॉन्ग टर्म मतलब उनको कि कहीं पे भी बोल दो खरीदने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म की खरीदारी इंतजार करके होनी चाहिए। आपको अगर 2 साल के लिए खरीदना है, 1 साल के खरीदना है, तो अभी खरीदना जरूरी है, थोड़ो 4 महीने के बाद भी उसको आप खरीद सकते हो, आपको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए ना लॉन्ग टर्म के लिए। आप मोमेंटम ट्रेडिंग थोड़े कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पे कोई बंदा खरीदा और यहाँ पे निकल गया, उसको 20-25-30% जो भी है मिल गया, यहाँ पे अगर कोई बंदा खरीदा और बोला भी था खरीदने के लिए, और यहाँ पे टारगेट बंदे को 25% मिल गया लेके निकल गए, लेकिन आप यहीं पे खरीदे हो या फिर यहीं पे खरीदे हो, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं ना करोगे भाई। आप तो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आपको 25% से क्या मतलब है, नहीं मतलब है ना। लेकिन फिर से वही प्राइस 2 महीना 3 महीना रहेगा, तो उससे मतलब क्या हुआ, जब को आपको 25% चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए सीधा 1 गुना 2 गुना, मतलब टारगेट आपको चाहिए 120 रुपये, 125 रुपये, 30 रुपये का, इस तरह से बड़ा सा, तो फिर 25-30% से आपको मतलब ही नहीं है, तो छोटा मोटा मोमेंटम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन वही लोग फंसा देते हैं कि नहीं खरीद लो कहीं पे भी खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी परफेक्ट होनी चाहिए, इंतजार करके होनी चाहिए सीधा सीधे समय। और इसमें तीनों कंडीशन अभी बन चुका है, यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर खरीदारी करोगे तो भी एक मोमेंटम आने की संभावना यहाँ से है, बहुत जब फास्ट मोमेंटम आ जाएगा, 80 रुपये तक भी आ जाएगा तो भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बन जाएगा, और गिरावट की उतना ज़्यादा संभावना है नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर रहेगा तो मोमेंटम करेगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब एक ही होता है कि कंटिन्यू मोमेंटम है, वो गिरावट की संभावना कम हो, तेजी की संभावना ज्यादा है, भले वो थोड़ी सी तेजी होगी लेकिन होने की संभावना ज्यादा हो, तो एंट्री होती है स्विंग ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म में के लिए क्या होता है कि चलिए थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर सकता है, लेकिन जाएगा फाइनली ऊपर ही, तो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग हो गई। वहीं पे अगर देखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को कि चलिए थोड़ा बहुत नीचे आने के लिए चांस है, आ सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आएगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कंफर्मेशन है कि नहीं अभी ये यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं, यहीं पे रहेगा, 10-5% ऊपर जाएगा, 10% नीचे, 20% ऊपर 20, तो फिर क्यों खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे तीनों स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के टारगेट रहेगा 80 रुपये का, शॉर्ट टर्म के लिए यही टारगेट आप लोगों के लिए 90 रुपये का रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए यही आपको टारगेट जो है 120 रुपये, 22 रुपये, 30 रुपये का फॉलो करना पड़ेगा। ये तीन टारगेट मैं पहले से ही बताते आया हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए कुछ नहीं करना है, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए अगर आपके बढ़ता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में, तो आप 62 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करिए, काम खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं बोलूंगा एक बार के लिए कि अगर ये 62 रुपये 60 रुपये के आसपास आता है, तो एक बार आप एवरेज इसको कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा मेरे हिसाब से वहीं 58 रुपये या 56 रुपये के आसपास का, ये परफेक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म वालों। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कुछ नहीं करना, खरीदारी करना है आपको और होल्ड करना। अगर आपको एवरेज करना होगा तो आप इसको इंतजार करिएगा, जब ये 52 रुपये के लेवल के आसपास आएगा, जो हम लोग का परफेक्ट लो बना है ये वाला लो, इस लो के आसपास कभी भविष्य में आपको मिल जाए तब आपको एवरेज करना है, नहीं तो फिर आपको बिंदास होल्ड करके रखना है। और जब भी आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, 50 रुपये के नीचे का फॉलो करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और आपका टारगेट ये 80-90 से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है सीधा 120 रुपये से, ठीक है ना, या 110 रुपये से, तो फिर आप जो है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। देख लीजिएगा तीनों टाइम फ्रेम का ट्रेड बन रहा है, कुछ कुछ अभी मैं अभी 2-3 शेयर बनाया हूँ जिसमें केवल शॉर्ट टर्म का ट्रेड बन रहा है, लॉन्ग टर्म का ट्रेड बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं बन रही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए, नहीं तो बोलोगे कि मैसेज तो आया ही नहीं, ठीक है ना, लाइक करिएगा।